इंडिया में मौजूद कंपनी की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया, और जो गवर्नर थे कंपनी के उस वक्त उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इंडिया में मौजूद कंपनीज की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और जो गवर्नर थे उस वक्त कंपनी के उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस एक फॉरेन कंपनी ने, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज्यादा बड़ी बन गई थी और ज्यादा ताकतवर भी। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस एक फॉरेन कंपनी ने, पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज इतनी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं।